हेलो फ्रेंड्स, आधार कार्ड में आप लोग अपना पैन कार्ड को कैसे लिंक कर सकते हैं, आज के दिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। आईएलएनटेक यूट्यूब चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों की मदद हो सके जो लोग आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ में लिंक करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप लोग ई फिलिंग की वेबसाइट पर आते हैं अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ में लिंक करने के लिए, तो आप लोगों को कुछ इस तरह से मैसेज शो हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, यहाँ पर देखिए शॉर्ट में बताया गया है कि ये जो सर्विस है ये 30/3/2022 से बंद कर दिया गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की जानकारी के लिए, कि 31 मार्च 2022 तक ये जो ऑनलाइन का जो प्रोसेस था आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ में लिंक करने का, वो चालू था। लेकिन मैसेज हम लोगों को शो कर दिया गया था 30 तारीख को ही कि ये सर्विस जो है 31 तारीख से बंद कर दिया जाएगा, 31 तारीख लास्ट डेट होगा। लेकिन 31 तारीख तक चालू था, 1 अप्रैल से बंद कर दिया गया। अब आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं और, कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि कितने रुपये चार्जेस देने होंगे अगर आप लोग अब लिंक कराना चाहते हैं अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ में तो, और आप लोग किस डेट तक आप लोग अगर अप्लाई कर देते हैं लिंक करने के लिए तो आप लोगों को कितना चार्जेस देना होगा, अगर उसके बाद अगर अप्लाई करते हैं तो कितना चार्जेस देना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उस वीडियो का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि जो लोग लेट हो चुके हैं अब उन लोग फ्री में अब अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ में लिंक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो का अंत तक देखा है तो समझ में आ गया होगा कि आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ में कैसे लिंक करना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने सब स्टेप बताया है। पैन कार्ड से रिलेटेड या आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई और हेल्प जरूर करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई सोच के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।